ये तस्वीरें हम अब तक पहुंचा रहे हैं केरल के वायनाड से, जहां पर हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं। जो भीषण आपदा वायनाड में आई है, अधिकारियों से समझते हुए स्थिति का आकलन करते हुए ये पीएम मोदी का काफी महत्वपूर्ण दौरा है। आपको बताएं कि वायनाड में 400 से अधिक लोगों की जान गई है, जो लैंडस्लाइड की घटना वहां पर होती है, और ऐसे 4 गाँव हैं जिनका नामोनिशान ही मिट चुका है। ऐसे में जो तबाही हुई है उसका जायजा लेते हुए पीएम मोदी, तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो वायनाड पहुंच चुके हैं। हवाई सर्वेक्षण उनकी तरफ से किया जा रहा है। आप ये समझिए, ये जो त्रासदी हुई, ये जो तबाही हुई, उसमें 400 लोगों की मौत हो चुकी है। और हवाई सर्वेक्षण के दौरान की जो आप तस्वीर दिख रहे हैं, 4 के 4 गाँव तो ऐसे थे जो पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं, उनका नामो निशान मिट चुका है। 400 लोगों की मौत हो चुकी है। इतना ही नहीं, अभी भी सेना की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, एनडीआरएफ रेस्क्यू ऑपरेशन कर रखी है, क्योंकि कहा जा रहा है कि कई लोग ऐसे हैं जो अभी भी मलबे में दबे हो सकते हैं या उनके शव दबे हो सकते हैं, और इसीलिए जो है अभी भी मलबा हटाने का काम जारी है। हालांकि इन सब मामले के बीच में जैसे ही पीएम मोदी ने यह कहा कि वो वायनाड जाएंगे, तुरंत नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की तरफ से सबसे पहले पीएम मोदी को धन्यवाद कहा गया, और ये कहा गया कि वो चाहते हैं कि इस पूरी त्रासदी को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए, जिसके बाद मोदी सरकार की तरफ से क्लियर किया गया, केंद्र सरकार की तरफ से क्लियर किया गया कि देखिए ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है कि किसी प्राकृतिक आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जा सके। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, और पीएम मोदी का वायनाड में होना काफी अहम इसलिए हो जाता है क्योंकि एक तो अधिकारी उनको समझा रहे हैं, स्थिति का वो आंकलन कर रहे हैं, इसके बाद उनकी हाई लेवल मीटिंग भी होने वाली है बारीकी से चीजों को समझते हुए। दरअसल अभी तक 400 से ज्यादा लोगों के शव निकाले जा चुके हैं। ये जो भीषण तबाही केरल में देखने को मिली है, इसमें लोगों के अपने सपने सब कुछ चकनाचूर हो चुके हैं, लोगों की जिंदगी भर की जमा पूंजी चली गई है। इससे पहले हमने देखा कि राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचते हैं, और जब पीएम मोदी यहाँ पर जा रहे हैं तो राहुल गांधी ने धन्यवाद किया पीएम मोदी का वायनाड जाने के लिए, क्योंकि राहुल गांधी वायनाड से सांसद है। ऐसे में पीएम खुद यहां पर पहुंचे हैं, हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं, बारीकी से चीजों को समझ रहे हैं। और आपको बताएं कि सेना ने वायनाड में 190 फीट का वहां पर जिस तरीके से सर्च ऑपरेशन शुरू किया था, तो अब यहां पर काफी अहम हो जाता है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें अभी भी रेस्क्यू में जुटी हुई हैं। तो आपदा के बाद केंद्र की रेस्क्यू टीम जो है राहत बचाव में जुट चुकी है। एनडीआरएफ, सेना, वायुसेना, नौसेना की टीम को भेजा गया है। केंद्र की करीबन रेस्क्यू टीम में 1200 से ज्यादा बचाव कर्मी जो है वो तैनात है। डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ को तैनात किया गया है। प्रभावित इलाकों में 100 से ज्यादा एम्बुलेंस तैनात है। सेना ने वायनाड में 190 फीट का बेली ब्रिज बनाया। इतना ही नहीं, बेली ब्रिज इसीलिए बनाया गया था क्योंकि पुल जो है पूरी तरीके से टूट गया था, ताकि ऐसे में जितनी भी जरूरत की चीजें हैं, जो दवाइयां हैं, जो लोगों तक जरूरी सामान पहुंचाने हैं वो पहुंचाए जा सके। एनडीआरएफ की टीमों ने 30 लोगों को बचाया, 112 शव बरामद किए हैं, 400 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। प्रभावित इलाकों का दौरा करने के लिए एक केंद्रीय टीम जो है वो भी बनाई गई है। 1 अप्रैल 2024 को केरल एसडीआरएफ को बजट आवंटित हुआ था आपदा से निपटने के लिए। केरल एसडीआरएफ को करीब 395 करोड़ रुपए का बजट मिला। इतना ही नहीं, 31 जुलाई की बात करें तो एसडीआरएफ को 145 करोड़ 60 लाख की पहली किश्त जो है दी गई। 5 वर्षों में केंद्र ने केरल एसडीआरएफ को 1200 करोड़ रुपए जो है जारी किए हैं। और केरल की अगर खास तौर पर बात करें, मौसम के हिसाब से, प्रकृति के हिसाब से, जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं उसके हिसाब से बहुत संवेदनशील इलाका जो है वो केरल माना जाता है। और ऐसे में पीएम मोदी हवाई सर्वेक्षण करते हुए,